नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कस्बा मियाऊ में नकली दवाइयों का किया गया भंडाफोड़। बिना लाइसेंस के चल रहा मेडिकल पर बरेली टीम ने छापा मारकर दवाइयों को किया जब्त। बरेली मंडल सहायक औषधि आयुक्त बरेली संजय कुमार को गोपनीय सूचना मिली कि बदायूं के थाना आलापुर क्षेत्र के कस्बा मियाऊ में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर पर नकली दवाई बेची जा रही है। दिन बुधवार को सहायक औषधि दवा आयुक्त बरेली मंडल संजय कुमार के निर्देश पर विवेक कुमार औषधि निरीक्षण बदायूं, बबीता रानी औषधि निरीक्षक जनपद बरेली, नेहाबेस औषधि निरीक्षक जनपद पीलीभीत पुलिस बल थाना आलापुर के साथ कस्बा मियाऊ में अर्जुन सिंह पुत्र द्वारका प्रसाद निवासी एवं गांव अभियासा पोस्ट मियाऊ थाना आलापुर बदायूं द्वारा अवैध रूप से संचालित न्यू अर्जुन मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, जिसमें लगभग 265,000 की अवैध औषधियां दवा पकड़ी गईं। सभी दवाओं को सीज किया। 8 संदिग्ध औषधियों के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए और अर्जुन सिंह के खिलाफ थाना आलापुर में मुकदमा दर्ज किया गया। बदायूं ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। मियाऊ से ये दवा पकड़ी गई है, क्या मामला है? प्राप्त हो रही थी औषध निरीक्षण बनाइयों को कि वहाँ पर मियाऊ के विदाउट लाइसेंस दुकानें संचालित हो रही, तो मैं सहायक आयुक्त बरेली डिवीजन टीम का गठन किया, जिसमें बबीता रानी बरेली और नया से नया वैश इनके साथ टीम बनाकर वहाँ दर्ज की गई। तो मौके पर पूछा गया कि आपके पास लाइसेंस है, उन्होंने कहा कि आप लाइसेंस नहीं है, तो सारी दवाइयों को सीज कर दो, जब्त किया गया और सारी चल रही है। संबंधित के खिलाफ बात न्यायालय में दायर किया गया।